फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए अनन्या पांडे को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन आज इंडस्ट्री में वह अपनी अलग जगह बना चुकी हैं। अनन्या अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती है। एक्ट्रेस के लिंकअप और ब्रेकअप की खबरें आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहती हैं। ईशान खट्टर, कार्तिक आर्यन और विजय देवरकोंडा के बाद उनकी ज़िंदगी में आदित्य रॉय कपूर की एंट्री हो गई है। हाल ही में अनन्या पांडे का नाम कलंक स्टार आदित्य रॉय कपूर के साथ जोड़ा जा रहा है। इस बात का खुलासा फिल्म मेकर करण जौहर के शो में हुआ था, जब उन्होंने अनन्या से साफ साफ पूछा था कि उनके और आदित्य रॉय कपूर के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। I saw at my party that you were... No, no, you didn't see anything. What's brewing between you and Aditya Roy Kapoor? हालांकि इस सवाल को अनन्या ने बड़ी ही खूबसूरती से घुमा दिया था और वह इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई थी। इस दौरान अनन्या ने आदित्य को हॉट बताया था, तभी से अनन्या पांडे और आदित्य पर लोगों की नजरें टिकी हुई है। हाल ही में दोनों फिल्म निर्माता रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में नजर आए थे। तस्वीरों में अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर गुपचुप तरीके से बात करते हुए नजर आए। तस्वीरों में आप दोनों को बात करते हुए देख सकते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए जनता की आवाज को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।